अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना अहमद। जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। और जी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। लेकिन सर्दी से जो है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, मरी मेरे होटल के बाहर का व्यू देख रहे हैं। ये मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम में जी यहाँ पे तकरीबन 9 बज रहे हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, रात को स्नोफॉल होती रही है और इसकी वजह से ये देखें सारे कार्स के ऊपर स्नो है, दरख्तों पे स्नो है। ये मैं आपको व्यू दिखाना चाहती थी कि आपको भी पता चले कि किस तरह कितना हसीन नज़ारा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त। क्योंकि हम लाहौरीज हैं, हम इस मौसम में जो रह रहे होते हैं सर्दियों के, लेकिन हमें स्नोफॉल का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इवन कि स्नोफॉल को देखने के लिए बेहद लोग बहुत ज़्यादा माल रोड पर रश हो गया था, बहुत ज़्यादा रश हो गया था कि हमारे से जो अंदर आने की एंट्री जो थी वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी रोड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे। हालांकि हम लोग मंडे को गए थे, इस वजह से गए थे कि इतना रश नहीं होगा, लेकिन मंडे वाले दिन भी बेहद रश था और हम एक्साइटेड हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, जैसे कार्स पे था, स्नो गिरी हुई थी, बर्फ़ आ रही थी, वो देख के खुश हो रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये ख़ुद से इसको फील किया है तो यकीन करें बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ये बच्चे हैं वो स्नोफॉल से प्ले कर रहे हैं, इनके पुप्पो के बेटे हैं दोनों, और ये जो है ब्लैक जैकेट्स में, ये मेरे बेटे हैं अब्दुल हादी एंड मोहम्मद दाऊद। आप पहले भी देख चुके हैं वीडियोस में मेरे बच्चों को, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्ले किया। इवन के हम फैमिली में लेडीज़ ने, मेरी सिस्टर इन लॉज ने, ये देखें एक मोहम्मद दाऊद है कैप में और दूसरा अब्दुल हादी है, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल से इन लोगों ने प्ले किया है। और जी, इनकी सिस्टर इन लॉ मेरी जो हैं, उन्होंने, हम सब ने, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने, कज़न्स ने, सब ने मिल के बेहद इंजॉय किया है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो स्नो छत पे गिरी होती है, उसके जो कतरे गिरे होते हैं सुबह के टाइम, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट में, ये देखें किस तरह, ये माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा है कि जिस तरह अगर आप खुद देखते हैं ऐसे लग रहा है क्रिस्टल की जो है ना वो कुछ है, शीशे के कुछ लाइंस हैं या कुछ इस तरह हैं। जो ड्रॉप्स कतरे गिरे थे इस टाइमिंग में सुबह मॉर्निंग के बाद, वो उसी तरह फ्रीज हुए हुए हैं। ये दरख्त हैं, सुबह शुक्र है अल्लाह का बहुत ज़्यादा कि बहुत अच्छी धूप निकली है, वरना हम लोग तो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहे थे। रात से अब तक बहुत ज़्यादा ठंड थी, माल पे हमने बहुत ज़्यादा अच्छा इंजॉय किया है रात को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना अहमद, आप जैसे मुझे जानते ही हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और हम, मैंने आपको बता रही हूँ, हम लोग मरी आए हुए हैं और मरी से हम कश्मीर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं पैदल चल चल के, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और जो ठंड है वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा, यहाँ पर स्नोफॉलिंग हो रही है, रात भी स्नोफॉलिंग होती रही है। और कश्मीर पॉइंट पे हम लोग पिक्चर्स वगैरह लेने जा रहे हैं और इन्जॉय करने जा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे किस तरह का वेदर है। यहाँ पे इस वक्त -1 चल रहा है और बहुत ज़्यादा, और चढ़ाई की वजह से सांस जो है ना वो फूली पड़ी है। आपको फिर आके मैं दिखाती हूँ, ये देखें कश्मीर पॉइंट की रास्ता है ये सारा। वाओ, ट्रीज देखें, दीज लोग तक क्रिसमस ट्री। हाँ जी, तो ये जो धूप है ना पीछे, ये आज नेमत लग रही है बहुत बड़ी। वैसे तो नेमत है ही, लेकिन आज ज़्यादा अच्छी, हमें जो है ना इसकी कमी महसूस हो रही थी रात से अब तक, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना, आप खुद इंजॉय करेंगे बहुत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नाइट जो स्नो फॉलिंग होती रही है, वही देखें। हाँ जी, ये रास्ते में सारा कश्मीर पॉइंट का एरिया है, ट्रीज पे स्नो है, ये देखें बिजली के मीटर्स के ऊपर भी स्नो है। हालांकि सुबह से धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये सब इस एज इट इज़ वैसी की वैसी जमी। हेलो, हाँ जी, आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा आइस फॉलिंग हुई है और स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा, और इन्जॉय, और देखिए कितना ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ कर रहे होंगे इंजॉय। आ जाओ बेटा, चलें सब लोग आगे चलेंगे। वाओ, देखिए कितनी प्यारी पीछे से जो है ना, वाओ डेकोरेशन देखिए कितनी प्यारी पीछे से। आई थिंक आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और हम लोग भी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ देखें, ये ज़्यादा ही हैं,
ये कश्मीर पॉइंट पे जाते हुए ना, ये इस तरह के आपको पीछे से आएंगे, इधर पीछे जो है बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, ये देखें सारा। ये बच्चों ने हॉर्स राइडिंग की है। अब्दुल हादी बाय। दाऊद कम बैक। बस आपने ऐसे करना है तो वीडियो बन जाएगी। खच्चर बच्चर नहीं पकड़ो। ये अभी ओके है वीडियो? नहीं अभी। ये देखें, ये फुल टोटल मरी की है ना वीडियो है। देखिए रोड जा रही है और ये ओ बहुत ज़्यादा हाइट पे हम लोग फुल टॉप पर कश्मीर पॉइंट में देखें। देखें अब मैं इस मोमेंट के पास हूँ, मरी में दोनों ना चाचा, ये भी मरी में हम, ये स्नोमैन है, ये हमारा स्नोमैन है, ये हम पावी का रहे हैं, ये हमारा स्नोमैन है, ये देखें ये दूसरा वाला स्नोमैन, ये हम, ये देखें ये हमारा स्नोमैन है जो हमने बनाया, ये स्नोमैन है। हाँ जी, तो यहाँ अब्दुल हादी जो थे अपना स्नोमैन की थोड़ी सी से वो वीडियो बनाई है, मैंने कहा ये भी आपको दिखाती हूँ बच्चों का क्लिप कितना अच्छा लग रहा है। और ये इधर स्नोमैन बनाए हुए थे उन लोगों ने और ईच पिक्चर की जो है वो कह रहे थे हमें 20 रुपीज़ चाहिए और पिक्चर या वीडियो बना ले, तो हमने यहाँ पे सब बच्चों ने सब ने यहाँ पे वीडियोज़ बनाई हैं, पिक्चर्स लिए हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया था यहाँ पे। और ये देखे स्नोमैन जगह जगह पे इन लोगों ने बनाए हुए थे और ये बहुत बड़ा काम है जी स्नोमैन बनाना, बर्फ़ में हार डालते हुए भी आप सोचेंगे। सो यहाँ पे फिर जो है सब ने मिल के कॉफ़ी पी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग फ्रीज होने को आ गए थे, फीट हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो फिर हमने यहाँ पे सब ने मिल के जो है यहाँ पर कॉफ़ी पी है। और कॉफ़ी पीने का भी मरी में आपको पता है अपना ही मज़ा है कॉफ़ी पीने का। यहाँ पर कश्मीर पॉइंट से जा रहे हैं हम वापस माल रोड की साइड पे, आपको फिर बताऊँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। सब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे इस मौसम को एंजॉय करने के लिए और बहुत से लोग हैं जो जस्ट स्नो फॉलिंग की वजह से जो है ना मरी में आ रहे हैं। चढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि सारी पहले हम तो नीचे की तरफ उतर रहे थे, अब ये दोबारा स्लोप वाइज ना हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो है ना थोड़ा सा मैं आपको ये स्नो का दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर, ये फ्लावर्स के ऊपर जिस तरह ये आइस जो है ना स्नो फॉलिंग हुई हुई है वो इतनी ज़बरदस्त लग रही, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शायद आपको वीडियो में इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये वैसे देखने में जो हम खुद रियल में जो देखते हैं ना उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त। तो जो जैसे ये क्रिसमस डेज चल रहे थे और यहाँ पे ट्रीज़ पे जो स्नो फॉल हुई हुई थी वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री लग रहे थे। और हमने भी देखा कि होटल वापस आने के बाद, ये देखें ये हमारा होटल था, 5 स्टार इसका नाम है और वाकई ही अंदर भी अच्छा था, इसका व्यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ये 12:30 का टाइम है, 12:30 पे हम जी यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और अंदर तक भी बन रहे हैं और हम अभी चेकआउट करके मॉल पे जाने लगे हैं क्योंकि हम कश्मीर पॉइंट से होके आ चुके हैं। आपको मैंने उसका बताया सारा कितना ज़बरदस्त का मज़ा आया है, आपको अपने होटल की व्यू भी दिखाया है, उम्मीद है आपको अच्छी लग रहा होगा। और जी अगर आप लोगों ने आना हो तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मरी जो है अंदर से और इसका किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। और जी माल पे जाकर दिखाऊंगी, वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है हम लोगों ने और इंजॉय करना है। और जो बाकी टिक्को की रेसिपी है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। अच्छा जी, आपको मरी की वीडियो किस तरह लग रही है, आपको मेरी कढ़ाई किस तरह लगी, मरी में ये खाना बनाना टेरेस में किस तरह लग रहा है और फोग और इस सब में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।